तो आज सरकार और किसानों के बीच पांचवें दौर की बातचीत होगी। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। बताया जा रहा है कि किसानों से बातचीत से पहले समाधान की रणनीति पर चर्चा हो रही है। किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक, एक घंटे से प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है और इस बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री शामिल हैं। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच बैठक होने वाली है। उम्मीद है कि किसान आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे, ये नरेंद्र सिंह तोमर ने आशा जताई है कि उन्हें उम्मीद है कि सकारात्मक रुख अपनाएंगे किसान और इस आंदोलन को ख़त्म कर देंगे। लेकिन जैसे कि भारत बंद का ऐलान पहले ही किसानों ने कर दिया है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर जो बैठक इस वक्त चल रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि उसमें कृषि मंत्री भी मौजूद हैं और अमित शाह भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं। तो आगे की रणनीति पर विचार किया जा रहा है, किसान अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जब तक ये कानून रद्द नहीं कर दिए जाते उससे कम कुछ भी उनको स्वीकार्य नहीं होगा। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर उम्मीद जता रहे हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, किसान सकारात्मक रुख अपनाएंगे और ये आंदोलन आज खत्म हो जाएगा। तो नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। दोपहर 2 बजे सरकार और किसान संगठनों के बीच ये पांचवें दौर की बातचीत और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हैं। पहली बार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की यह बैठक हो रही है और इस बैठक में शामिल होने से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि किसान सकारात्मक सोच रखते हुए इस आंदोलन को खत्म करेंगे। और ये जो बैठक होने वाली है, पांचवें दौर की बैठक 2 बजे, इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं उनकी बात सुना देते हैं। बात होगी प्रधानमंत्री जी की, मीटिंग चल रही है जिसे पता चला है, और अगर सरकार आपस में बैठ के बातचीत करी तो कोई ना कोई प्रस्ताव और ड्राफ्ट तो लेकर आवेगी। अब वो क्या लेकर आती है, कहाँ पे सहमति बनती है, सभी किसान संगठन आज वहाँ पर रहेंगे और क्या सहमति बनती है तो वहीं अंदर रहेंगे, सब लोग बैठ के बात करेंगे। फैसला होगा ठीक रहेगा, नहीं फैसला होगा हम क्या कहीं जा रहे हैं। हाँ, ट्रैक्टर से जाएंगे, जो ट्रैक्टर दिल्ली में जा नहीं सकता आज दिल्ली चलेंगे। तो ये आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर ये बैठक। और अभी हम सिंघू बॉर्डर चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ हैं। विशाल, नरेंद्र सिंह तोमर तो उम्मीद जता रहे हैं कि कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा आज और सकारात्मक रुख अपनाते हुए किसान इस आंदोलन को खत्म कर देंगे, लेकिन यही सोच क्या किसानों की भी है? देखिए, बिल्कुल, किसान आज एक बार फिर से बातचीत के लिए जा रहे हैं, पांचवें दौर की बातचीत है। सरकार को उम्मीद है कि बातचीत से कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा, लेकिन किसानों की अगर हम बात करें, किसान साफ तौर से कह रहे हैं इस कानून की इन्हें ज़रूरत नहीं है, इस कानून को रद्द करने की मांग किसान की तरफ से की जा रही है। ऐसी स्थिति में सरकार और किसानों के बीच जब ये पांचवें दौर की बातचीत आज दोपहर 2 बजे शुरू होगी तो किसानों के सामने सरकार क्या फॉर्मूला लेकर आती है, खासतौर पर 2 चीज़ों को लेकर किसान जो लगातार मांग कर रहे हैं वो MSP को लिखित की मांग कर रहे हैं। मैं जो किसान है यहाँ पर कुछ उनसे पूछता हूँ, ये लोग आप क्या चाहते हैं, आज पांचवें दौर की बातचीत है, सरकार आपको सुन रही है, देश आपको सुन रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या होना चाहिए, अब कैसे समाधान निकलेगा? सब तो बेस्ट समाधान तो इसका यही है कि जो कानून ये लेकर आए हैं उसे रद्द करना चाहिए, हमें वो चाहिए ही नहीं। जो सिस्टम चल रहा है उसे सुधारें, उसमें सुधार करें, नए कानून लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, जो कानून, इसमें आपको क्या कमियां नजर आ रही हैं, क्यों आप चाह रहे हैं कि रद्द होना चाहिए? सरकार कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, MSP के पर बातचीत करने के लिए तैयार है, या जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के क्लॉजेस पर आप लोग को आपत्ति, उस पर बातचीत के लिए तैयार है, आप रद्द करने की मांग पर क्यों अड़े हैं, क्या कारण है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मोदी की नीयत में खोट लगता, हमें नहीं लगता कि वो देश के PM है, वो एक कॉर्पोरेट जगत के PM लग रहे हैं, हमें लगता ही नहीं है कि वो जो कहेंगे उस पर पूरा उतरेंगे, क्योंकि अगर उनका पास्ट रिकॉर्ड देखो, जो भी उन्होंने कहा उस पर वो करेंगे। अगर हम किसानों की बात करें, MSP को लेकर बात करें, तो MSP पर आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या बात करना चाहिए सरकार को?
एमएसपी पे सबसे पहले तो लिखित आश्वासन अमेंडमेंट होकर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में लिखकर देना चाहिए कि हमें जो एमएसपी है वो रेगुलर मिलनी चाहिए, और उसमें जो बजट में किसानों के लिए नवी नवी टेक्निक्स है उसके लिए इन्हें प्रॉपर उसमें एस्टिमेट लगाकर पैसा रखना चाहिए। लेकिन कुछ और किसान है उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ऋषिपाल है जी। ऋषिपाल जी, आप किसान है, एक किसान के तौर पर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव है आपका, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम मोदी से ये अपील करते हैं जी, एक हम हरियाणा से आए जिला जींद से, हम ये अपील करते हैं कि मोदी जी ये तीन कानून लेके जो आए हो इनको रद्द करो, या हमको एमएसपी है जो उस पर लिखित गारंटी मिल दो हमको। आज आपके जो नेतृत्व कर रहे हैं वो लोग आज सरकार से मुलाकात भी कर रहे हैं, पांचवें दौर की बातचीत है। हाँ जी, तो क्या लगता है आपको, आप लोगों ने क्या कहा अपने नेताओं से यहाँ पर जो लोग बातचीत करने के लिए जा रहे हैं? हमारे नेताओं की बात और किसान की एक ही बात है जी, सब नेता हैं यहाँ पर, सब किसान हैं यहाँ पर। हमारी यही है कि हमें ये तीन कानून जो लेके आए आप इसको रद्द करो, और जो एमएसपी चौथा कानून बना के दो हमको, एमएसपी की गारंटी लिख के दो। देखिए मीमांसा, अब ये सरकार आज जब पांचवें दौर की बातचीत करेगी, अब यही सबसे महत्वपूर्ण होगा कि क्या आज कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि किसान अपनी मांग पर अड़े हैं, एमएसपी पर लिखित में आश्वासन चाह रहे हैं सरकार से कि वो एक कानूनी कानून तौर पर लीगल बनाया जाए एमएसपी को, और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किसान के मन में शंकाएं हैं उसको सरकार कैसे दूर करती है, इस पर सबसे ज़्यादा निगाहें होंगी, क्योंकि जो एसडीएम कोर्ट में सरकार किसानों को अपील करने का हक है, क्या वो कोर्ट में अपील कर पाएंगे, इस तरह की मांगे जो किसानों की रही है उस पर। बिल्कुल, और सरकार की ओर से कहा जा रहा है बार बार कि एमएसपी के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, जो मंडी है उसको मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे, लेकिन फिर भी किसानों की अपनी चिंताएं हैं, अपना डर है, और सरकार जो है वो लगातार बातचीत पर जोर दे रही है कि जो भी आपकी आपत्तियां हैं, आशंकाएं हैं, हमारे सामने रखी, और वो आशंकाएं चिंताएं रखी भी हैं किसानों ने जो पहले बातचीत हुई, और लेकिन जो किसान हैं उन्होंने अब अल्टीमेटम दे दिया है कि भारत बंद का ऐलान उन्होंने कर दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर भारत बंद होगा, और जितने भी सड़कें हैं जो बची हुई हैं उन्हें भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। सरकार बिल में विकल्प लाने को तैयार है कि आपकी जो चिंताएं हैं हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, हम लिखित में आपको एमएसपी पर लिखने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिल रद्द करने की जिद पर अड़े हुए हैं किसान कि ये सारे के सारे कानून वापस लिए जाएं, इनको रद्द किया जाए। गतिरोध खत्म करने की कोशिश सरकार की ओर से जरूर हो रही है, लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि कई जो पार्टियां हैं वो आंदोलन से जुड़ गई हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, अब उन्होंने भी समर्थन जता दिया है इस आंदोलन के लिए। हर संभव मदद की कोशिश की जाएगी, सरकार बार बार ये भरोसा दिलाने की कोशिश किसानों को कर रही है, लेकिन बॉर्डर बंद हैं, जगह जगह जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है लोगों को, पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं, और लोगों का यही डर है कि अगर गतिरोध आज भी खत्म नहीं होता है तो लगातार ये जाम की जो समस्या है वो आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। तो आज पांचवें दौर की बातचीत होने वाली है 2 बजे, और बातचीत के दौरान ही ये अल्टीमेटम भी दे दिया गया है किसानों की ओर से कि भारत बंद कर दिया जाएगा अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं। और दिल्ली यूपी बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ नोएडा पर में मौजूद हैं रूफी जैदी। रूफी जैदी, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, वहाँ अभी भी ये जाम की स्थिति है, जो किसान नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, आज कोई ना कोई समाधान जरूर निकल जाएगा बातचीत में, कितने सकारात्मक? मीमांसा, भले ही सरकार को ये उम्मीद हो कि किसान जो हैं वो मान जाएंगे या जो सिचुएशन है वो बेहतर हो जाएगी, लेकिन अगर इस वक्त की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं दिल्ली नोएडा बॉर्डर की, तो यहाँ पर जो तस्वीर है वो पहले के मुकाबले बदल गई है, और ये कहा जा सकता है कि पहले के मुकाबले ख़राब हो गई है, क्योंकि दिल्ली से नोएडा की तरफ आने वाली जो सड़क थी अब उसको किसानों ने पूरी तरह से बंद कर लिया है। किसान नेताओं का कहना है कि उनके किसानों को यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अब वो ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक देंगे, और आप देखिए किसान सड़क के इस हिस्से में आकर भी बैठ गए हैं, और वो किसान इसी तरह से बैठे हुए हैं, उनके पास डंडे लाठियां, और उनका ये कहना है कि अब ये जो प्रदर्शन है किसी भी तरह से पीछे नहीं जाएगा और प्रदर्शन इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ पर आप देखिए किसान पूरी तरह से सड़क पर बैठ गए, ये सड़क पहले चल रही थी, अब से कुछ देर पहले तक यहाँ पर आवाजाही थी ट्रैफिक की, लेकिन अब पूरी तरह से जो ट्रैफिक है वो बंद हो गया है, सड़क भी बंद कर दिया। सरकार से बातचीत का आपको लगता नहीं कि बातचीत के जरिए समाधान हो जाना चाहिए? सरकार जब 2 कदम बढ़ा रही है तो आप लोग भी थोड़ा सा आगे जाएं और चीज़ों को ठीक करें।
सरकार तो डेट पर डेट दे रही है, किसान को बगलाने का काम कर रही है, लॉलीपॉप दे रही है। इस तरफ की सड़क भी बंद कर दी, अब उग्र प्रदर्शन हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जो पूरे प्रदेश से आ रहे थे उनको वहाँ पर रोक लिया गया है। हम बड़े शांति से 5 दिन से बैठे थे, इस धूप में, इस गर्मी में, इस जाड़े कड़ाके की जाड़ी में, बिल्कुल इतना जाड़ा लगता है रात को, कोई रुक नहीं सकता सड़क के ऊपर, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को वहाँ रोका गया, पदाधिकारियों को, इसलिए हमने सड़क को रोका है। सड़क इसलिए बंद की जब केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासन द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, हमारी गाड़ियाँ क्यों रोकी जा रही है? जब हमारी गाड़ियाँ रोकी जाएंगी और हम शांति से जब आंदोलन कर रहे थे तो क्यों उत्पीड़न किया जा रहा है, क्यों गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं? गाड़ियाँ हम किसानों को बेवकूफ समझा जा रहा है, केंद्र सरकार उत्पीड़न कराएगी? जी देखिए, इस तरह से जो किसान हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और किसानों का ये कहना है कि वो किसी भी तरह से हटने वाले नहीं हैं। कुछ और किसान नेताओं से भी आपकी बात कराएंगे और उनका ये कहना है कि उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, अब वो किसी भी तरह से पीछे नहीं जाएंगे। सर, ये जो सड़क है ये आप लोगों ने क्यों बंद कर दी? ये सड़क तो चल रही थी, आप लोगों ने क्यों रास्ता पूरा बंद कर दिया? पिछले 5 दिन से हम लोग यहाँ शांतिप्रिय तरीके से यहाँ बैठ के हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमने शुरुआत में जब आए थे हमने तो पूरा रोड जाम किया था। दिल्ली प्रशासन ने हमसे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से वार्ता की और उनसे बोला कि भैया जो एम्बुलेंस वगैरह आ रही है उनको बहुत दिक्कत हो रही है आने में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विशाल हृदय है, उन्होंने उनकी उनकी बात को सम्मान रखते हुए उन्होंने एक रास्ता उन्होंने खोल दिया। हम लोग फिर भी यहाँ बैठ के अब शांति से बैठे हुए हैं अभी भी, लेकिन हमारे जो किसान भाई आ रहे हैं उनको आप क्यों रोक रहे हो भाई? वो यहाँ धंधा प्रशासन में शामिल होने जा रहे हैं। हमने पहले बोल दिया हमारा कोई भी किसान भाई जब तक हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जब तक वो आदेश नहीं करेंगे, जब तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदेश नहीं करेंगे, जब तक हमारी कमेटी आदेश नहीं करेगी, कोई भी किसान भाई हमारा हरकत में नहीं आएगा। यहाँ पर हमने देखा लोगों के पास लाठी डंडे भी हैं जो किसान हैं। लाठी डंडे अपनी सुरक्षा के लिए हैं, किसान की पहचान है लाठी, ठीक है, चलाने के लिए नहीं है, और हम चलाएंगे, लेकिन हम इतने मजबूर भी नहीं है कि जब हमारे किसान भाई को सामने खड़ा किया जाएगा, जब हमारा भाई हमारे ऊपर लाठी चलाएगा तो हम फिर लाठी खाने के लिए नहीं आए यहाँ पे, हम अपनी मांग पूरी कराने के लिए आए हैं। अगर हम पे लाठी पड़ेगी तो हम भी लाठी का जवाब लाठी से देंगे। आज सरकार तो उम्मीद जता रही है कि कुछ पॉजिटिव हल निकलेगा, समाधान हो जाएगा, आप लोगों को उम्मीद नहीं? उम्मीद जब होगी खुले मंच से वार्ता करिए, इन लोगों को शर्म क्यों आ रही है खुले में बात करने में? आपने बिना पूछे कानून बनाया, कौन सा किसान भाई आपने लिया, 3 अध्यादेश आप लेके आए, किसी से आपने पूछा, किसी किसान नेता से पूछा? हम अपनी स्पेशली बात नहीं कर रहे, हम सारे संगठन की बात कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। किसी भी किसान भाई को आपने वार्ता में शामिल किया, बिना पूछे आपने अध्यादेश ला दिया, अब आप बंद कमरे में नीतियां बना रहे हो, 5 बार वार्ता कर ली, कभी वार्ता सफल नहीं होगी तरीके से। आपको लगता है अगर हमारा ये सही है हमने जो अध्यादेश लाए हैं तो आप खुले मंच पे आइए। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका आह्वान करता हूँ इस चैनल के माध्यम से, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने बैठिए, आमने सामने बैठ के वार्ता होगी, चैनल के सामने बैठ के वार्ता होगी। अगर आप अपनी बातों को पूरा कर पाते हैं तो बिल्कुल आज ही पूरा धरना प्रदर्शन बंद कर देंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करिए। ये तो किसान भाइयों को क्यों रोका जा रहा है और हमें विश्वास में पहले क्यों नहीं लिया गया? जब अध्यादेश बनाया जा रहा था तो हमसे कोई बातचीत नहीं की गई, अब भी बंद कमरों में बातचीत हो रही है, ये सारी शिकायतें हैं किसानों की। हमारे साथ ब्रह्मप्रकाश दुबे भी हैं विज्ञान भवन से। ब्रह्मप्रकाश दुबे, ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली और ये चिंता सरकार की दिखाई भी दे रही है, क्योंकि जिस तरह से अल्टीमेटम दे दिया है कि भारत बंद का ऐलान और सारी सड़कें ब्लॉक कर दी जाएंगी, और वो परेशानी सरकार के बीच अब इस वक्त नजर आ भी रही है कि प्रधानमंत्री आवास पर बैठक बुलाई जा गई है और वहां पर मंथन इस वक्त चल रहा है। बिल्कुल मीमांसा, देखिए पिछले 1 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है, प्रधानमंत्री आवास पर अभी भी बैठक चल रही है और कृषि मंत्री वहां पर मौजूद हैं, रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह वो भी मौजूद हैं, पहले की बैठकों में भी राजनाथ सिंह रहे हैं और यूपी से आते हैं किसान नेता भी रहे हैं, लिहाजा वो भी मौजूद हैं। और मंथन चल रहा है कि आखिर, चूँकि 5वां दौर है और ये माना जा रहा है कि इसके आगे और दौर नहीं होंगे, इसमें कोई हल निकल आएगा, लिहाजा सरकार की तरफ से फाइनल जहां तक सरकार जा सकती है तीनों कानूनों को लेकर जो भी नरमी सरकार बरत सकती है, जहां तक झुक सकती है, वो माना जा रहा है कि इस बैठक में किसान नेताओं के साथ सरकार की तरफ से पेशकश होगी। यदि किसान नेता सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर अड़े रहते हैं कि तीनों कानूनों को रद्द करने के अलावा वो कुछ नहीं मानेंगे, फिर समस्या का समाधान निकलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि तीनों कानूनों को रद्द करना काफ़ी मुश्किल भरा होगा और इनको रद्द नहीं किया जाएगा, लिहाजा बीच का कोई रास्ता आज निकले ऐसी उम्मीद है सभी को है। अगर किसान नेता संशोधनों पर मानते हैं, जैसे 4थे दौर की बातचीत में हुआ था कि जो 4-5 प्रमुख मांगें थी किसान नेताओं की, उन पर सरकार विचार
करने को तैयार हुई थी तो रास्ता निकल आएगा, यानी कुछ किसान नेता झुकेंगे, कुछ सरकार झुकेगी तो रास्ता निकल आएगा। जी, तो किसान आंदोलन का 10वां दिन और आज की ये बैठक जिसे निर्णायक बताया जा रहा है 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। वहीं से आप ब्रह्म प्रकाश को सुन भी रहे हैं और कुछ ही देर में वहां पर ये मंत्री भी पहुंचेंगे, किसान नेता भी पहुंचेंगे और समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से रुख अभी किसानों का है कि तीनों ये कानून रद्द होने चाहिए, वापस लिए जाएं, सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। उनका कहना संशोधन करने के लिए तैयार है लेकिन वापस नहीं लेंगे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।